ओमान में जॉब करता हूँ और मैं हर फ्रॉड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूँ जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं गल्फ के नाम पे दोस्तों। और मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, बोलता हूँ कि अगर किसी भाई के साथ फ्रॉड हुआ है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं और कुछ रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या वीडियो बना के भेज सकते हैं उस ऑफिस के बारे में, कि मैं लोगों को बताऊं कि उस ऑफिस पे आप लोग काम ना कराओ, वो ऑफिस वाला लोगों के साथ फ्रॉड करता है। ऐसे में एक मेरे भाई हैं, बिहार का रहने वाले हैं, उनका नाम है अशरफ। ये मेरे पास 2-4 दिन पहले कॉल किए थे। ये बोले कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। मैं बोला कौन सा ऑफिस है? थे बोले भाई वो ऑफिस नहीं है, आपको मालूम होगा कि एक इबरान हाशमी के नाम से एक बंदा है, वो दुबई में रहता है, वो अपने यूट्यूब चैनल से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। मैं बोला हाँ मैं उसका वीडियो देखता हूँ। वो बोले भाई मैं उसका वीडियो देखा और मैं उससे संपर्क किया, मैं बोला मेरे को इंदौर हेल्पर में जाना है, तो वो बोला ठीक है आप 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में ऑनलाइन जमा कर दीजिए। और ये भाई अशरफ भाई उसके अकाउंट में 20,000 रुपया भेज भी दिए। और फिर जब इनको मालूम चला अशरफ भाई को कि ये फ्रॉड करता है लोगों के साथ, तो ये फिर उससे बात किए ईमो पर और बोले कि भाई मेरे को काम नहीं कराना है, मेरा पैसा वापस कर दो। और वो जो इबरान हाशमी के नाम से है वो बोलने लगा कि नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे बोला 2-4 दिन में भी भेज देता हूँ। लेकिन वो 2-4 दिन छोड़ो, कम से कम 10-15 दिन हो गया, अभी तक वो पैसा नहीं भेजा है। आप उससे जो बात की हो उसका रिकॉर्डिंग है? तो ये बोले भाई मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि मैं उससे ईमो पर बात करता था। मैं बोला ठीक है आप जो पैसा भेजे हो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो कि मैं लोगों को कम से कम दिखा सकूं। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये अशरफ भाई इमरान हाशमी के अकाउंट में भेजे हैं लेकिन अभी तक ये पैसा नहीं लौटाया है दोस्तों। इसका यही काम है दोस्तों, लोगों को ये बोलता है मेरे पास ये वीजा है वो वीजा है, लोगों से पैसा ले लेता है और फिर उन लोगों का जॉब नहीं देता है। दोस्त मैं बता दूं इसके ऊपर इंडिया में बहुत सारा FIR है, अभी ये दुबई में रहता है। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं आपसे, अगर आपको इसके ऊपर FIR करना है ना तो आप इसके थाने में जाइए, इसके जिला में जाइए, फिर इसके ऊपर FIR करोगे ना तब इसको मालूम चलेगा। ये रहने वाला है जौनपुर जिला का, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये बहुत भाई लोगों के साथ फ्रॉड किया है, मैं वीडियो भी देखा हूँ जो बहुत सारे भाई लोगों के साथ फ्रॉड किया है और दुबई में बुलाकर भी लोगों को फंसा देता है दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ आप लोग ऐसे एजेंट से काम ना कराओ जिसका कोई आता पता ना हो। दोस्तों किसी भी एजेंट से आप काम करा रहे हो तो पहले उसका आधार कार्ड आप रख लीजिए, कहीं आपके साथ वो फ्रॉड करता है तो आप उसके ऊपर FIR कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और किसी एजेंट का या किसी ऑफिस वाला का वीडियो देखकर उस पर एक बाइक भरोसा मत कीजिए, यही गलती ये भाई की है। उसका वीडियो देखे और उसके अकाउंट में पैसा भेज दिए फिर इनके साथ फ्रॉड हो गया। दोस्तों मैं बोलता हूँ किसी का वीडियो देखो आप पहले 2-4 दिन उसके बारे में सर्च कीजिए, लोगों से पता कीजिए क्या ये ऑफिस वाला या ये एजेंट लोगों के साथ अच्छा काम करता है कि नहीं, फिर आप उसके पास जाइए और अपना पासपोर्ट और एडवांस उसको दे दीजिए दोस्तों, ठीक है।